हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी के लिए। सबसे पहले तो ये कि आज हम टाइम एंड वर्क की DI के साथ हैं यहाँ पर। टाइम एंड वर्क चैप्टर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता होगा। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में मेंस के बिहाफ पे आपको मैं आज DI लेके आया हूँ। दो दो क्वेश्चन की, तीन तीन क्वेश्चन की छोटी छोटी DI या 5 क्वेश्चन की DI आ जाती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कैसलेट टाइप की DI है। कैसलेट मतलब कुछ ना कुछ डेटा दिया होता है चैप्टर पे बेस्ड, और वो हमें मेंस में खूब ज्यादा पूछता है। तो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको फटाफट करना है। आज मैंने जो DI बनाई है वो आपके एफिशिएंसी बेस्ड DI है। तो एफिशिएंसी पे बेस्ड DI है। आपको एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क में आते हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा, प्रोवाइडेड दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो DI कुछ बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं होती हैं, आसान सी चीजें होती हैं, उनको हम कैसे करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बच्चों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने DI भी है। उस DI में देखिए जरा, पहला क्वेश्चन साथ में है, बट उसके पहले आप पहले डेटा देखिए। डायरेक्शन में आपको लिखा है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे करना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मतलब दो ही क्वेश्चन के लिए है ये डेटा। तो लिखा हुआ ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 80 डेज लेस देन बी। ए बी से 3 गुना अच्छा है और इसीलिए बी से काम को खत्म करने में 80 दिन कम लेता है। जिसको हिंदी की प्रॉब्लम हो मैं हिंदी में ट्रांसलेट किए दे रहा हूं। ओके, तो ए बी से 3 गुना अच्छा है, इसी वजह से बी से 80 डेज कम लेता है काम को खत्म करने में। ओके, स्टार्टिंग वाली लाइन क्लियर है। इफ ए एंड बी कंप्लीट 5/8 ऑफ द जॉब एंड देन ए इज रिप्लेस्ड बाय सी। अगर ए और बी मिलके 5/8 काम कर दें और फिर ए किससे रिप्लेस हो जाए, सी से, ए की जगह सी आ जाए, द रिमेनिंग जॉब इज डन बाई बी एंड सी इन 15 दिन 15 डेज। तो बचा काम बी और सी मिलकर 15 डेज में करेंगे। ओके बच्चों, इफ ए एंड बी कंप्लीट 5/12 ऑफ द जॉब देन बी इज रिप्लेस By D, अगर A और B ने मिलके 5/12 पार्ट कर दिया होता पूरे काम का और फिर B D से रिप्लेस हो गया होता, यानी B की जगह D आ गया होता, the remaining job is done by A and D in 10 days। तो बचा काम A और D मिलके 10 दिनों में करते। ओके, इतना क्लियर है अच्छे से। फिर उसके बाद क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस डेटा के अकॉर्डिंग जरा देख लें कि A B C D पर डे कौन कितना करेगा। आपने लगा लिया होगा कुछ ने, और जितने कर रहे हैं मुझे करके आप आंसर कमेंट करते रहिए। तब तक मैं आपको, जितने लोगों को दिक्कत हो रही है समझिए, और जितने कर रहे हैं करते रहिए, सॉल्यूशन साथ में चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, ए 3 गुना अच्छा है बी से। ध्यान से समझिए, काफी आसान है। ए इज थ्राइस एज एफिशियंट एज बी। तो ए 3 टाइम्स, यानी ए अगर 3 काम करता है तो बी कितना करता होगा बच्चों, 1। सही है, तभी तो 3 टाइम्स एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का पर डे वर्क होता है इनडायरेक्टली। ओके, ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। ए बी से 3 गुना अच्छा है। ओके, अभी क्या आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है 3 गुना अच्छा है इसीलिए 80 डेज लेस लेता है टू कंप्लीट द वर्क देन बी। बी से 80 डेज कम लेगा, तो बी अगर टी डेज में करेगा तो बताइए ए कितने में करेगा, T-80 में। ओके, सही है, अच्छा। अब अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बी पर डे 1 काम करता है, टी डेज में पूरा खत्म कर लेगा, तो बताइए बी के अकॉर्डिंग टोटल वर्क क्या होगा, T×1। सही है बच्चों, बी के अकॉर्डिंग टोटल वर्क क्या होगा, पर डे आप 1 काम करते हो, टी दिन तक जाओगे, 10 दिन तक जाओगे तो 10 होगा टोटल वर्क, 20 दिन तक जाते 20 होता टोटल वर्क। सही है, तो 1 करता है टी डेज तक जाएगा तो T×1 विल बी योर टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू ए। ए के अकॉर्डिंग टोटल वर्क क्या होगा, ये पर डे 3 करता है और T-80 डेज तक जाएगा तो ये टोटल इतना काम करेगा बच्चों, एग्री। तो 3×, अगर ये 10 दिन जाता तो 3×10 यानी 30 वर्क होता, तो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो कर दिया। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें, 3T-240 को इधर ले आओगे, +240 हो जाएगा 3T और ये T-2T = 240, तो टी की वैल्यू 120। वट विल बी टी, टी की वैल्यू 120। ओके, टी आपका आ गया 120, टी आपको क्लियर हो गया कि हमारा टी है 120, यानी कि आपको यह पता चल गया कि बी कितने डेज में काम कर रहा है बच्चों, बी 120 में कर रहा है। सही है, बी कितने में कर रहा है देख लीजिए, बी आपका काम कर रहा है 120 डेज में। ओके, इधर लिख लेते हैं, देखिए बी आपका कर रहा है बच्चों 120 डेज में। ए की बात करें तो ए कितने में करेगा, T-80, टी की वैल्यू 120, 120 में से 80 घटाया तो कितना, 40 डेज में। ए और बी मिल गए। अब मैं कहूं
के टोटल वर्क तो एलसीएम ले लिया करते थे, तो एलसीएम 120 और 40 का कितना होगा बच्चों, 120 होगा, 40 से तीन बार और 120 से एक बार। आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप टोटल वर्क ये मान रहे हो, पर डे वर्क ए और बी का ये मान रहे हो, दोनों के डेज आपको क्योंकि पता चल गए हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा है, अब देखते हैं जरा आगे वाली कंडीशंस को यूज करते हैं। ए एंड बी कंप्लीटेड 5/8 ऑफ द जॉब। आपका 120 टोटल वर्क है, इसका 5/8 ए और बी ने किया, इसका 5/8 कितना करोगे तो कितना आएगा, 5/8 यानी 8 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स, उसका 5 टाइम्स 75, यानी 5/8 ऑफ 120 विल बी 75। तो ए और बी ने 5/8 जॉब किया, ए और बी ने 5/8 यानी 75 जॉब किया। ओके, देन क्या हुआ, देन ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, ए की जगह सी आ जाएगा, ए की जगह सी आ गया, यानी बी तो बना है, बी प्लस सी हो जाएंगे। ओके, अच्छा 120 था, 75 हो गया, तो कितना बचा है बच्चों, 45 अभी भी बचा है रिमेनिंग। अब क्या कह रहा है आगे, द रिमेनिंग जॉब इज डन बाई बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी ने मिलकर 15 दिन में किया, तो 15 डेज में किया तो कितना पर डे कर रहे होंगे, तीन काम पर डे कर रहे होंगे, पर डे कितना कर रहे होंगे तीन। अच्छा बताइए, बी पर डे कितना करता है, एक, बी पर डे एक करता है, ए पर डे कितना करता है तीन। तो अगर मैं यहां पर डे वर्क लिख दूं, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं, पर डे वर्क अकॉर्डिंग टू टोटल वर्क, सही है, अकॉर्डिंग टू टोटल वर्क, डब्ल्यू टी हम टोटल वर्क पहले से हमने सोच लिया है कि 120 लेके चलेंगे, तो पर डे वर्क, ए का पर डे वर्क हमारा कितना आ चुका है थ्री, ए का आया है थ्री, बी का कितना आ चुका है वन, सी का कितना आया, बी और सी मिलके पर डे तीन करते हैं, बी और सी मिलके पर डे 45 वर्क बचा था जो 15 दिन में करना था, तो पर डे तीन करेंगे ना, जिसमें से बी का एक है, तो सी का कितना हो जाएगा टू। अब डी एक और बचा हुआ है, उसके लिए देखते हैं जरा। ओके, पर डे वर्क समझ में आ रहा है, तो डी के लिए पर डे वर्क भी देखेंगे, डी के लिए देखिए जरा, सी टू हो गया है और डी के लिए देखते हैं, देखिए तो क्या अगली लाइन में क्या है बच्चों, अगली लाइन में लिखा हुआ है, इतना हमने यूज कर लिया 15 डेज तक, ए एंड बी कंप्लीटेड 5/12 ऑफ द जॉब एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय डी। ए और बी ने 5/12 भाग कर दिया और फिर बी रिप्लेस हो गया डी से। देखिए ए और बी ने कितना कर दिया, 5/12। अच्छा टोटल वर्क 120 था, उसका 5/12 अगर कर दिया, तो 5/12 अगर आप कर दोगे तो कितना बचेगा, 120 का 5/12, 12 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 5 टाइम्स कर दोगे तो 50। यानी अगर किसने किसने शुरू किया था बच्चों, ए और बी ने ही स्टार्ट किया था, और 5/12 यानी 50 वर्क कर दिया, 50 वर्क कर दिया। अब क्या कह रहा था, फिर कह रहा था देन बी इज रिप्लेस्ड बाय डी, बी की जगह डी आएगा, यानी ए तो बना रहेगा और ए प्लस डी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 50 हो गया 120 में से, तो 70 बचा रहा होगा, सही है। कह रहा है बी इज रिप्लेस्ड बाय डी, हमने बी को डी से रिप्लेस भी करा दिया। आगे कह रहा है रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए एंड डी, ए और डी मिलके रिमेनिंग वर्क को 10 डेज में करते हैं, कितने में, 10 में, तो पर डे कितना करेंगे, 7 करेंगे, तभी तो 10 में कर पाएंगे, 70 वर्क अगर 10 डेज में करना है तो पर डे 7, तो पर डे 7 किसका किसका है, ए और डी का, जिसमें से ए आपको पता है कितना है, 3 है, ए अगर 3 है तो डी कितना हो जाएगा, 4, तभी तो 7 आएगा मिलके ए और डी। ओके, पर डे वर्क आपको सभी का मिल गया, आप केवल और केवल अब इतना जानिए कि टोटल वर्क आपने 120 लिया है और पर डे वर्क आपके लिए ये है। कहां से आया, हमने पहला ये यूज किया कि ए तीन गुना एफिशिएंट है बी से, तो ये एक करता है तो ये तीन, कह रहा आगे कह रहा है कि ए इसीलिए 80 डेज कम लेता है, तो ये टी लेगा, तो ये टी माइनस 80 लेगा, सही है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने पहले क्या टी की वैल्यू निकाल लिया, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग टी होगा और इसके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स टी माइनस 80, तो टी की वैल्यू आ गई 120, यानी 120 डेज में कौन करेगा, बी, क्योंकि बी टी डेज में करता है। ओके, तो बी कर रहा है 120 में, अब बी 120 में करेगा तो ए कितने में करता है, टी माइनस 80, तो 40 आएगा, ए 40 में करेगा, एलसीएम ले लिया, 120 टोटल वर्क मान लिया, डिवाइड कर लिया 40 से और 120 से, 3 और 1, ये आ गया पर डे वर्क, ये आ गया आपका टोटल वर्क और ये था वर्क पर डे, सही है, या एफिशिएंसी। तो अब ए पता चल गया पर डे तीन करता है, बी पर डे एक करता है, ए तीन और बी एक। अब आगे की कंडीशन, आगे की कंडीशन कह रहा है ए और बी ने काम शुरू किया
और कितना कर दिया, 5/8 जॉब कर दी। फिर उसके बाद 5/8 120 का कितना होगा, क्योंकि टोटल वर्क आप ये लेके चल रहे हो, 120 का 5/8 कितना हो जाएगा, 75 हो गया, तो 45 बचा होगा क्योंकि टोटल 120 करना था। फिर कह रहा ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, एक ही जगह सी आ गया तो बी तो बना हुआ है और एक ही जगह हमने सी लिख दिया। कह रहा रिमेनिंग वर्क हमारा 15 डेज में कंप्लीट होता है, रिमेनिंग वर्क कितने में होता है, 15 डेज में, तो 15 से डिवाइड कर लिया तो पर डे पता चल गया कि 3 हो रहा होगा, पर डे 3 हो रहा है, जिसमें से बी का आपको पता है 1, तो सी आपने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। ओके, ऐसे डी निकाल लिया दूसरी कंडीशन से, दूसरे में कह रहा है ए और बी ने काम शुरू किया एक साथ और कितना किया, 5/12, 5/12 120 का कितना होगा, 50, 50 हो गया तो 70 बचा होगा। फिर कह रहा है बी इज रिप्लेस्ड बाय डी, तो बी की जगह डी लिख दिया, ए प्लस डी हो गए। कह रहा है रिमेनिंग वर्क 10 डेज में होना, तो 10 डेज में तो पर डे 7 हो रहा है, जिसमें से ए का आपको पता है कितना, 3, और दोनों का 7 है, तो डी कितना हो जाएगा, 4। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम इस सबको हटा देंगे और सिर्फ अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि अब हमें टोटल वर्क पता है और क्या पता है बच्चों, पर डे वर्क पता है इनका। टोटल वर्क कितना पता है हमें, 120, और पर डे वर्क पता है। ओके, इन्फॉर्मेशन से हमने ये निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब ए बी सी डी वर्किंग टुगेदर। ए बी सी डी मिलके, तो ए बी सी डी मिलके कितना करते, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 4, 10, सब मिलके 10 काम करते हैं। टोटल वर्क आपका 120 है, तो 120 बाई 10, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 12 डेज। देखिए काफी आसान है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाए, दूसरा देखिए, सेकंड में क्या है, सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड में ये कह रहा है, सेकंड में कह रहा है द जॉब इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग मैनर, ए बी डे 1, बी सी डे 2। देखिए जरा, पहले दिन ए प्लस बी आते हैं, सेकंड डे में बी प्लस सी आते हैं, ओके, थर्ड डे में सी प्लस डी आते हैं, और फोर्थ डे में कौन आ रहा है, डी प्लस ए। देखिए 4 दिन एंड सो ऑन, यानी आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। अच्छा, तो पहले दिन ए बी मिलके 3, 1, 4 काम करेंगे, बी सी मिलके 2, 1, 3 काम करेंगे, सी डी मिलके 4, 2, 6 काम करेंगे, और डी ए मिलके 7 काम करेंगे। कितने दिन की बात है, 4 दिन की। कितना हो रहा है, 4, 3, 7, 7, 14, 6, 20, 20 वर्क इन 4 डेज। ओके, और ऐसे ही फिर रिपीट होगा, मतलब ए बी आएगा, फिर बी सी जाएगा, फिर सी ए, सी डी, और फिर डी ए। ओके, तो हम 20 वर्क 4 डेज में कर सकते हैं, हमें 120 कराना है। 20 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो 4 में भी 6 से कर दीजिए, यानी 24 डेज में जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप 120 वर्क कर लोगे। तो आपके लिए आंसर इस पैटर्न में क्या होगा, पूछ रहा है ऐसा चले तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो 24 डेज। ओके, ये सिंपलेस्ट मेथड है बच्चों, काफी आसान हो गया है, बस आप एफिशिएंसी को ऐसे यूज करें हमेशा। आपके क्वेश्चन देखिए दोनों के दोनों काफी आसान हो गए। तो नेक्स्ट पर चला जाए, नेक्स्ट डीआई की तरफ चलते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। पहली वाली देखिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, दूसरी वाली डीआई आपके लिए, तो दूसरी वाली डीआई देखिए खुल चुकी है, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको कि एफिशिएंसी का ये भी क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस डेटा को कनेक्ट करिए, यानी पर डे वर्क और टोटल वर्क वगैरह डिसाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दो दो वर्क है, वर्क एक्स और वर्क वाई, तो दोनों को डिसाइड करिए जल्दी से, जरा पेन कॉपी यूज करके फास्ट टोटल इसको यूज करके लिख लीजिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन आ जाएगा। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, जिसको हिंदी की प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज्यादा। अगर हम इसको यूज करें खाली, तो ए बी से 20% ज्यादा, यानी बी अगर 100 काम करता है तो ए 120 करेगा, या अगर ये 6 करेगा तो ये 5, हमने 20 से कट कर दिया। ओके, तो ए और बी हमने डिसाइड कर लिया। आगे देखिए, हु कैन कंप्लीट वर्क एक्स इन 36 डेज। हु कैन कंप्लीट, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा, 20% ज्यादा, जो काम को 36 दिन में कर सकता है, कौन, बी। तो बी अगर 36 डेज में कर सकता है, ये आपके लिए एफिशिएंसी है, सही है। और ये कह रहा है कि बी 36 डेज में कर सकता है, तो बताइए एक दिन में आप कह रहे हो 5 करता है, एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, एक दिन में आप कह रहे हो 5 करता है, तो 36 डेज में कितना करेगा टोटल, 36 डेज में टोटल करेगा 180। ओके, कौन से वर्क की बात हो रही है, एक्स वर्क की, तो एक्स वर्क को अगर आप टोटल बोलो तो एक्स वर्क कितना है आपके लिए, 180। ओके, बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड टू कंप्लीट द वर्क एक्स, एंड आफ्टर 10 डेज बोथ लेफ्ट
वर्क। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, कौन सा वर्क? एक्स वर्क। लेकिन कितने दिन बाद? 10 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया? बोथ लेफ्ट, सही है। 10 दिन बाद बोथ, दोनों ने छोड़ दिया काम करना, और फिर ए ने अकेले 15 दिन में किया। अच्छा चलिए, बी और सी द 10 डेज, हमें अभी सी नहीं पता है ना, तो अभी हम कुछ नहीं लिख सकते, सही है। अब फिर लास्ट में कह रहा है ए ने 15 डेज में रिमेनिंग वर्क किया, तो अच्छा बताइए ए 15 डेज में कितना करेगा? पर डे 6 करता है, ए की एफिशिएंसी है यानी पर डे वर्क है, पर डे 6 करता है तो 15 दिन में 90, यानी 90 वर्क तो आपका इधर हुआ। टोटल कितना था? 180, 180 में से 90 इधर, यानी इधर भी 90 हुआ होगा। अब 10 डेज में 90 हुआ तो पर डे कितना हो रहा है? 9, पर डे 9 हो रहा है, पर डे कितना हो रहा है? 9। अब 9 हो रहा है पर डे, 90 बाई 10 से हमने पर डे वर्क निकाला तो 9, 9 आया पर डे वर्क। अब 9 अगर पर डे वर्क है जिसमें से हमें बी का पता है, बी कितना करता है? 5, तो सी कितना कर रहा होगा? 4। साइड में ऐसे ही फिर लिख लीजिए, तो वर्क एक्स आपने डिसाइड किया है 180, सही है। अब उसके बाद ए बी सी डी, ए बी सी और डी चारों के लिए एफिशिएंसी या पर डे वर्क डिसाइड कर दें। ए के लिए हमने कितना लिख रखा है? 6 एज इट इज। बी के लिए 5, सी के लिए कितना आया? यहां पे बी प्लस सी 9 करते हैं जिसमें से बी 5 है, तो सी कितना बचा? 4। हमें देखिए 3 लोग मिल चुके हैं, ए बी सी मिल चुके हैं, अब डी की बारी है, तो डी देखते हैं जरा। डी के लिए अगली स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, ओके। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? ए एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड कंप्लीट अनदर वर्क वाई। ए एंड सी टुगेदर स्टार्टेड टू कंप्लीट अनदर वर्क वाई। ए और सी लग गए साथ में, ए और सी साथ में लग गए किस काम को? वाई को करने के लिए, ओके, वाई को करने के लिए। एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन काम करने के बाद, अच्छा बताइए 12 दिन में कितना कर लेंगे? तो 12 दिन में कितना कर लेंगे ए और सी? ए और सी मिलके एक दिन में 6 ये करता है, 4 ये करता है, 6 4 10, 10 वर्क पर डे है, तो 12 डेज में 120 वर्क, 120 वर्क यहां हो गया, ओके। आगे क्या कह रहा है? दे बोथ लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई बी अलोन इन 16 डेज, और बचा काम बी ने 16 डेज में किया। देखिएगा जरा, बी ने कितने में किया? 16 डेज। बी पर डे कितना करता है? 5, तो 16 डेज में कितना किया होगा? 16 इंटू 5 करोगे तो 80, यानी ये टोटल वाई वर्क कितना निकल के आया? 200, कितना निकल के आया? 200, तो वाई आपके लिए कितना हो गया? 200, ध्यान दीजिएगा, वर्क वाई कितना हो चुका है? 200, तो आपने वर्क वाई भी डिसाइड कर लिया कि वर्क वाई है 200, ओके। वर्क एक्स कितना था बच्चों? 180, और वर्क वाई हो गया 200, तो आगे देखते हैं जरा। अब हमें डी की एफिशिएंसी खाली बची है, बाकी हमारा सारा का सारा डेटा हमें पता चल गया। वर्क एक्स की वैल्यू 180 काम करवाना है, वर्क वाई में 200 काम कराना है, पर डे कौन कितना करता है पता है। हाँ जी बच्चों, इफ डी फर्स्ट कंप्लीट वर्क एक्स एंड देन कंप्लीट वर्क वाई इन टोटल 38 डेज। डी ने एक्स और वाई वर्क दोनों किया, लेकिन पहले एक्स किया फिर वाई किया, लेकिन टोटल 38 डेज। एक्स 180 है और वाई 200 है, ओके, तो दोनों मिला के वर्क कितना हुआ? 380, तो डी ने कितना वर्क किया होगा? टोटल 380, और कितने डेज में किया? 38 में, तो पर डे कितना कर रहा होगा? 10, तो डी पर डे करता है 10। अरे पहले कर दिया 180 फिर 200, टोटल 38 डेज लगाया, हमें पता नहीं था स्टार्टिंग में कौन कहां कितना डेज लगाया, बट हमें यह पता 38 डेज में 380 वर्क किया, 38 में 380 वर्क किया, तो पर डे कितना कर रहा होगा? 10 वर्क, तो डी के भी एफिशिएंसी हमें मिल गई फाइनली। अब हमारे पास सभी की एफिशिएंसी हमें पता है, आप फिर से चेक कर सकते हैं, बी ए 20% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो बी 100 तो ए 120, यानी एफिशिएंसी यानी पर डे वर्क की बात करें तो ये 6 करेगा, तो ये 5, 20 से कट कर दिया है, ओके। अब कह रहा है बी काम को 36 डेज में कर सकता है, तो एक दिन में 5 करता है, 36 डेज में कर सकता है, तो टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग 36 × 5 = 180। वर्क एक्स की बात हो रही थी तो एक्स 180 हमने लिख दिया, ओके। अब ए बी सी डी की एफिशिएंसी लिख दी, यानी पर डे वर्क लिख लिया, हमें ए और बी तो पता है 65 एज इट इज लिख लिया, बाकी के लिए सी और डी के लिए हम निकालेंगे। तो आगे क्या कह रहा है? बी और सी ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन काम किया बी और सी, 10 डेज बी और सी, हमें अभी पता नहीं था कि सी कितना करता है, ओके। फिर कह रहा है रिमेनिंग वर्क ए 15 डेज में करता है, रिमेनिंग वर्क ए 15, 15 दिन में, ए पर डे 6 करता है तो 15 दिन में 90, टोटल वर्क एक्स हमें पता है 180, तो 90 इधर हुआ होगा, 90 इधर हुआ होगा, कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में,
किसने किसने किया, बी और सी ने। 10 दिन में 90 काम यानी पर डे 9 काम, जिसमें से बी कितना करता है, बी करता है 5, 5 बी करता है 9 में से, तो ए कितना कर रहा होगा 4, तो बी सी कितना कर रहा होगा, बी और सी है ना, तो सी कितना कर रहा होगा 4। ओके, तो सी ने कर दिया बच्चों 4, हमें ये कंफर्म हो गया कि सी पर डे 4 करता है। ओके, अब डी की बारी आई, तो डी की बारी, अच्छा वर्क वाई भी निकालना था, तो वर्क वाई के लिए ये स्टेटमेंट दी है, कह रहा है कि ए और सी ने वर्क वाई करना शुरू किया और वर्क वाई करते टाइम ए और सी 12 डेज गए, 12 डेज में कितना करेंगे, 6 4 10 एक दिन में, तो 12 डेज में 120। ओके, फिर कह रहा है रिमेनिंग वर्क बी ने कितने डेज में, 16 डेज में खत्म कर दिया, तो बी पर डे 5 करता तो 16 डेज में 80, टोटल वर्क कितना हो गया 200। यहां से मिला है हमें कि वाई है वर्क 200। ओके, अब वाई वर्क मिल गया, अब डी के बारे में क्या कह रहा है, डी ने एक्स और वाई वर्क किया, पहले एक्स को किया फिर वाई को, टोटल 38 डेज में, तो टोटल वर्क कितना किया 180 प्लस 200 यानी 380 वर्क उसने टोटल किया और 38 दिन में किया, तो पर डे कितना कर रहा होगा 10, तो डी का पर डे लिख दिया 10। ओके, तो होप के ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन सब को हटा दूंगा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हमें अब किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल हमें जरूरत पड़ेगी टोटल वर्क की और इनके पर डे के वर्क की, बाकी सब कुछ हटा दिया, हमें वर्क एक्स पता है, वर्क वाई पता है और सबकी एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क पता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ देखिए बच्चों, लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क एक्स एंड देन ए एंड सी आर रिप्लेस्ड बाई डी। क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क एक्स, वर्क एक्स 180 है, इसका 1/3 कितना होगा 60 ए बी प्लस सी ने किया, सही है 60 कर दिया, कितने डेज में किया होगा, ए बी सी 6 5 11 11 4 15, तो 4 दिन लगे होंगे। पूछ क्या रहा है, बी वर्क, बी ने कितने दिन काम किया, ए बी सी है, ए बी सी 6 4 10 5 15 काम पर डे करते हैं, तो इधर इनको 4 दिन लगे होंगे। ओके बच्चों, अच्छा बताइए 60 वर्क हो गया, तो कितना बचा था, टोटल 180 था, तो 120 वर्क बचा है अभी भी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है एंड देन ए इज, ए एंड सी आर रिप्लेस्ड बाई सी, ए रिप्लेस्ड बाई डी, देन ए एंड सी आर रिप्लेस्ड बाई डी, फिर ए और सी को डी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी बी तो है लेकिन ए सी जाएंगे उनकी जगह डी आ जाएगा, यानी बी और डी करेंगे, बी 5 और डी 10, दोनों मिलके कितना करते हैं 15, तो कितने दिन इधर लगेंगे 8 दिन, एक दिन में 15, 15 वर्क पर डे, देन टू कवर 120 वर्क कितने डेज लगेंगे, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, 8 डेज आर रिक्वायर्ड, तो 8 डेज इधर हो गए बच्चों और 4 डेज इधर, तो टोटल कितने डेज हुए 12 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। पूछ क्या रहा था, बी ने कितने दिन काम किया, अच्छा बी क्या यहां है 4 दिन, हाँ ये सब है लेकिन साथ में बी भी तो है, और यहां भी बी है, हाँ यहां भी बी है, तो बी ने टोटल कितने डेज काम किया है 12 डेज काम किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट 12 डेज, पहले का आंसर 12। ओके नेक्स्ट पर चले कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन लाया जाए, देखिए काफी आसान हो जाता है, उसके बाद आपने बस ये लिखना है टोटल वर्क और पर डे वर्क, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ए सी एंड डी वर्किंग साइमल्टेनियसली कंप्लीटेड वर्क एक्स इन एन डेज एंड ए बी सी डी वर्किंग साइमल्टेनियसली कंप्लीटेड वर्क वाई इन एम डेज। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। देखिए ए सी डी ने एक्स काम किया एन डेज में, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वर्क यानी 180 किसने किया है, ए सी डी, ए सी डी ए 6 4 10 10 10 20 कितने डेज में किया होगा, 9 डेज में, एन की वैल्यू मिल गई। अब एम की तरफ आ जाओ, एम के बारे में क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्किंग साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हुए वाई वर्क को एम डेज में करते हैं, तो एम भी डेज है और वाई वर्क की वैल्यू कितनी है 200, करवाना किससे, ए बी सी डी चारों से, तो 6 4 10 5 15 10 25 यहां कितना होगा बच्चों 8 डेज, सही है। तो पूछ क्या रहा था आपसे, एम प्लस एन, व्हाट विल बी एम प्लस एन, 9 8 17 17 डेज विल बी योर एम प्लस एन। ओके देन इजी है, काफी इजी लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कि ऐसी डीआई हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं हमें, इवन एसबीआई क्लर्क मेंस वगैरह में भी आप इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब सारे देखने के लिए मिलेंगे,
टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं. ओके, we'll be right back.